सरकार ये बजेट जो हम तार प्राक आलोचना करने डाकि प्रस्ताव देवा डाकि आम तीनो मुख्य प्रस्ताव देचु। प्रथम प्रस्ताव अच्छे जे जो व्यवसायी उपर जो प्रोफेशनल टिकस लगुच विड्र करने परामर्श देचु। द्वितीय प्रस्ताव देचु जे आज पर्यंत देश स्वाधीन हवार 75 वर्ष है आम वर्तमान व्यवसायी कौन सी मंत्रालय ना तेणु गोटे ट्रेड बोर्ड गठन करने प्रस्ताव देचु जो थे कि व्यावसायिक संपर्क जहाँ किसी आमेडमेंट रूल रेगुलेशन हम ट्रेड बोर्ड में आलोचना हो सरकार पाक जापर आईन परिणत करने आम सरकार को अनुरोध करतीय कथा आम सोलार एनर्जी को बहुत गुरुत्व देवाई सोलार एनर्जी केमी अधिक रु अधिक लगिपर से विषय सरकार ध्यान देवा दरकार गुरुत्व सहित विचार करने दरकार जनसाधारण केमती ग्रहण करेंगे से सरकार पदक्षेप ना दरकार ये पदक्षेप प्रस्ताव देचु। आउ टूरिज्म उपरे मध्य आमे ओडिसा जेते टूरिज्म स्पॉट अछि ताकु जदि आमे डेवलप करि परिवा ताले लोक आ जम्मू काश्मीर न जाई ओडिसा रे बेसी टूरिज्म रूम आमे इनकम करि परिवा तेनु सरकार को प्रस्ताव टूरिज्म उपरे देइचु। एवं ता सहित मध्य कृषकर उत्पादित शस्य को केमती उपयुक्त मूल्य रे उपयुक्त समय रे बिक्री करा जाई परिबो सेतिपति सरकार प्रति कृषक मानकर एते विश्वासता विश्वास नहीं। ओडिसा व्यवसायी संघ ओडिसा निज तरफ प्रस्ताव दे सरकार जदि चाहिए सरकार जदि आंतरिकता हेबो ओडिसा व्यवसायी महासंघ निज खर्च कृषक उत्पादित शस्य को उपयुक्त मार्केट रे उपयुक्त दर में बिक्री करने से परामर्श देव से विश्वास को नब एवं जहाद्वारा कृषि उत्पादन दिनक दिन बढ़िवार लगे दर दाम नियंत्रण करने जदि आम उत्पादन बढ़े आम देखूँ बर्तमान जो परिवापत्र जो दर वृद्धि घटी ये दर वृद्धि को केमती सीमित करे भर आम पाखे कि प्लान अच्छी आम जो सरकार चाहिए तो सरकार सहित सेयार कर सरकार सहजता सहित आपको विचार करें सरकार कहते जब भी चाहिए आप परामर्श दे पारे आम खूब निकट में आम सरकार को सूचित परामर्श देवु जदि से परामर्श को सरकार काम करेंगे तो ओडिशा जनसाधारण निश्चित भाव उपकृत हो।